मूल्य, यहाँ की मान्यता, यहाँ की संस्कृति और यह जगतपुर की मिट्टी, कैथवल की वसुंधरा को और आप सभी गणमान जन को मैं एक ही स्वर में सादर हाथ जोड़ के पलकी प्रणाम करता हूँ, चरणों में कोट कोट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने छोटे भाई, हमारी और आपकी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेकर चलने वाले शाबाश प्रहरी ब्रजेश यादव फौजी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं इस नौजवान के हौसले और जज्बे और जगतपुर की जन्मदायिनी धरती के नाम पर एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ब्रजेश जी का माल्यार्पण मैं कर रहा हूं, आप इसके योग्य हैं। आपने कार्यक्रम लिखाते समय कहा हम दोनों कलाकार, मैं आज इसलिए धन्य हूं कि मैं जिन्हें आदर्श मानता था इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पंडित परशुराम यादव जी, और आज एक शक्ति आपके बीच में बैठी है जिनका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप सुने हैं। अब ये हमें आदर्श मानते हैं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा। प्रेरणा लेकर आप जोरदार तालियों से विनोद निराला जी का स्वागत करिए, मंच पे बैठे हैं। मनई लोग यह समझते हैं कि यार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये काहे खातिर ऐसन बा। हेल्प टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, यह धरती विद्वानों की है। ठेठ में इज्जत देने से इज्जत मिलती है, और इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। हम दोनों कलाकार आज इस ब्रजेश बाबू के और इस जगतपुर की जो प्रतिष्ठा बचाई गई है, अगल बगल के चार पांच गांव के प्रधान लोगों के सहयोग से जो ब्रजेश जैसा हौसला बुलंद हुआ है, एक बार उन प्रधान लोगों को और मेरी भोली भाली जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियों का संचार हो जाए, मैं अपने कार्यक्रम को शुरू कर दूं। सादर 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया, और बड़े ही शिक्षा के शिवालय के सजग प्रहरी हमारे बड़े ही अच्छे मित्र, दसों साल से हमारे बीच में रहे, आज इस मंच पे मंचासीन हुए, सादर 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करके सबके संगत कारण के दूध पिए बदे बल्टी दिलो। ठेठ में समझ ले बाबू, दूध पीने के लिए बाल्टी दिए हैं संतोष यादव फौजी साहब, और ए संदेश भी है। 22 नवंबर को हमारा कार्यक्रम खजूरी गांव कोराव में है, 5 किलोमीटर बगल में, वहां से हम लोग नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, आप वहां भी रहेंगे। 1100 रुपए का पुरस्कार था, कुलदीप लाल यादव बिरहा के गायक हैं, सादर पुष्पहार और 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमन। गुलाब बाबू, गुलाब प्रधान जी पूर्व प्रधान रिगपुर की तरफ से सादर 200 रुपया, सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत प्रणाम। बबलू कुशवाहा जी 51 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बिरंजी यादव गाजीपुर, गाजीपुर यहरो हो कि वाला गाजीपुर, अरे वाह, वीरों की धरती, जवानों का देश, घर घर सैनिक हो उत्तर प्रदेश, उस धरती का नाम है राजा गाद की नगरी गाजीपुर, जहां वीर अब्दुल हमीद ने पैंटन टैंक तोड़ करके भारतीय सेना का मान बढ़ाया था। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। अब एक ताली और बनती है, क्या इस मंच के बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर और हमारे 20-22 वर्षों से गार्जियन इस मंच का संचालन कर रहे थे, हमारे बड़े भैया संचालन कर रहे थे, आदरणीय बड़े भैया अशरफी लाल यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे स्वर्गीय लाल जी लहरी बड़े भैया, जिनका बड़ा प्यार आशीर्वाद मिलता था, उनके गुरु घराने से आए यहाँ जितने कवि गण बैठे हैं, आदरणीय सवरिया जी को, आदरणीय कवि जी को मेरा प्रणाम है, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ समयाभाव में, उन्हें भी कोट कोट नमन करता हूँ। हमारे जनाब हैदर अली जुगनू जी, बहुत प्यार स्नेह मिलता था इस मिट्टी से, और बाबू दादा राम कैलाश कपार पे हाथ रख करके रिकॉर्ड है, जब बिरहा का डॉक्यूमेंटेशन कराया गया, अपने मोहनी जापन बरनी भात अनेक बात बहुत बरनी, लेकिन सच्चाई है इसलिए बताना पड़ता है कि बड़े ही
सम्भ्रांत लोगों का यह मंच है। कह बेटा फुहर पतर आए गवाह, जीव जैसे कसरिया के सिटकी निकाल देता चावल में से, वैसे काम करे खातिर स्पीक मैके के डायरेक्टर एसपी सिंह को लिखे कि आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक लड़का सौंप रहा हूँ। और जनाब हैदर अली जी ने पन्ना लाल जी के दरवाजे पर कार्यक्रम था, उनके शिष्य हैं ओम प्रकाश दीपक और संत लाल जी, उन्हें भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ जोरदार तालियों से, तीनों महापुरुषों हैदर अली राम कैलाश और लाल जी लहरी को नमन करता हूँ। चले आराधना वंदना याचना उपासना की ओर। बाबू राधे श्याम भारतीया जी को मेरा प्रणाम है, ननकू राम पाल जी को भी मेरा प्रणाम है, जो भी कवि हृदय हैं ओम प्रकाश दीपक जी संतलाल यादव जी बिरहा के साज बाज संगतकार जिकरे सहारे हम लोग चलल जला। ई बल्टी मिडल हारमोनियम पर पप्पू लाल जी उधर प्रणाम करना है, मंजीरा पर बुधई संदल जी, करताल पर हीरा लाल पाल जी, ढोलक पर लाल बहादुर मिश्रा जी, और इधर झांट पर चंचल यादव जी, और मेरा भी प्रणाम हो। उधर की पार्टी में भी सबको मिला है, ढोलक वाले भैया के भी, हारमोनियम वाले भैया के भी, झांझ वाले भैया के भी, करताल वाले भैया के भी, और टेरी भरे वाले भैया लोग के भी। देखिए ये समदर्शी रूप है, आइए आइए। सिद्धि सेनानी भवानी हम भी कहे आरे उबारे श्राम जय दुत दल की नाशिनी, काली खंगाल गिर बिलाख पालनी भवानी शर्मंगल है सत प्रकाशिनी, जो तारी बरवान है भद्र काली आपके चरणों में नमस्कार है हमारे अट्ठासिनी, की बड़ी बहन हो नंद कुल में जन्म पीने वाली लाली बिंदवासिनी। कात्यायनी महाभागा चंडी महाकालिका गणेश का कलेश बुर पछर काशिनी, कमल पद्मल सब भक्तों को बारी मिले राम धारी तारी मेरी बिंदवासिनी। हरि नंदन से हरि मिले ओ हरि नंदन सो नाम, हरि नंदन का नाम पहुंचो हर के हर नंदन हर एक है अब लेकिन रूप ने यदु कुल भूषण देवता हे मुरली धर घनश्याम, आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु पद गहि कर प्रणाम,
परम आदरणीय श्रद्धे बड़े भ्राता श्री देवेंद्र यादव जी, इस पावन मिट्टी का प्यार स्नेह धन है वसुंधरा, सादर 500 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार दे करके सम्मान किए हैं। मैं आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विराह का यह मंच, हम दोनों कलाकारों की ओर से जो भी त्रुटियां होंगी आप सब क्षमा करेंगे। मेरी जन्मभूमि जरूर मिर्जापुर है, लेकिन मेरी कर्म भूमि, मेरे गुरुओं की भूमि ये प्रयागराज है। अशरफी बाबू यहीं हमारे जीवन के 10 साल बड़ी बेहतरीन बीते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे पूरब का स्फुट कहा जाता है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का गीत, यहाँ का संगीत, और बगल के प्रतापगढ़ से भी गहरा नाता है। दोनों अंचल में जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तब एलबी सिंह, कृष्णमूर्ति यादव, राम वृक्ष यादव, जफरुद्दीन, हेमंत टुन्नू, संध्या गुप्ता जैसे लोग उस आंदोलन के प्रतीक हुआ करते थे। और बीबीसी लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता था, विरह के सुनने वाले मेरे भाइयों, मेरे आदर्श की पूरब के ऑक्सफोर्ड ने पूरी दुनिया में इतिहास बनाया। 3 शेड में रहकर 150 के रुपए के रूम में रह करके कब पीसीएस आईएस आईपीएस होकर चला जाता है कोई जानता नहीं। नमन करता हूं आराधना की पहली पंक्ति में। डेकोरेशन जगतपुर कैथवल भूवर डेकोरेशन, आप सब लोग जानते हैं डेकोरेशन कंपनी की ओर से 100 रुपया मिला, बहुत बहुत प्रणाम। बड़े ही अच्छे देरी के हमारे व्यवसायी हैं आदरणीय राम जी यादव जी, सुंदर पुष्पहार
सादर 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए भैया का मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है, इस मिट्टी को नमन है। सादर 51 रुपए का पुरस्कार ये प्रदान किया गया है हमारे भाई विडवन पत्रवाहक हैं आपकी ओर से, पहाड़पुर राजू की ओर से बाबूजी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कोटेदार हैं शंभू यादव मेवड़ी की धरती से। बहुत बहुत प्रणाम की करता हूं। आज कुश्ती का दंगल भी रहा, आज बिरहा का भी दंगल हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम। और बिरहा में कैसे पढ़े लिखे विद्वान एडवोकेट जो आपकी पैरवी रात दिन कचहरी में करते हैं, आज स्वर से आपकी सेवा कर रहे हैं। आप सबको मेरा नमन है। खे के लिए इलू हे महतारी, आधा से ज्यादा पार हो गए। हम लघु शंका करे जात रहे तो एक मनई कहें कि यार बूढ़ा हो गए हैं का। हम की जो भी धरती पर आया है उसे बूढ़ा होना ही है बाबू जी, लेकिन हिम्मते मर्द मर्दते खुदा। आप मन से बूढ़ा मत होइए, उम्र से भले बूढ़ा हो जाइए ऐसी कोई बात नहीं है, वो लक्षण नहीं आएगा। और हमहन के भोजपुरी में तो साठा में पाठा कहल जाता है, अभी तक क्यों ना हो रहा है बाबू। परम मित्र हैं ओम प्रकाश भारतीया और भोलानाथ जी ब्रजेश भाई के, धन है ब्रजेश जी, एक कैथोल के एक महाकुंभ के हैं और दोनों दोस्ती बड़ी अमर होते बाबू जी। हिताई एकाकबरी झूठ बोलवा देता, हिताई कहे झूठ बोलवा देता, लंबा हो जी बात छोड़ा जाए तो। बनारसों में मकान हो, मिर्जोपुर में मकान हो, चंदौलियों में मकान हो, अभी दिल्ली में मकान लेवा चाहत हो, अब बिरहा गाना बजाना होता है, सरकारी नौकरी है कि पैसा के कहाँ से कमी आ गई, वो मजबूरी है ना समझे है। और सही दोस्त रहे तो सोचे कि यार लाख दो लाख से मदद कर दे, बस होए तो दे ही दे। देखा हिताई और दोस्ती में यह अंतर है बाबू जी। बहुत बहुत भैया के प्रणाम हमारे। कोटेदार शंभू भैया महमूपुर बड़ी व्यवस्था आ गए बाबू जी, अब देखकर अंगूठा लगा था वही के मिला था, देखकर ना लगा था वो लौट के अपन भनभुना जा था, कोटे दरवा दिया नहीं, कोट दरवा दिया नहीं, अरे कहाँ से दे कोट दरवा, वहां से टाइट कर गए बस चूड़ी। बेचारा कोटेदार के भी सामने कितनी बड़ी संकट हो कहना है। बहुत बहुत शंभू बाबू को प्रणाम। रसलंकार भर गीतिया सजावा, सुर के सजावा हो, ताल में तलैया हो, सहैया हो, सुर के सजरावा माई, ताल में तलैया हो, सहैया हो, हमारी पीड़ा बाबू श्री बनवारी लाल यादव श्री जी के पूरा ऐतिहासिक सरजमी फूलपुर से सादर 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। नमन प्रणाम करता हूं कोट कोटि। सादर 200 रुपए का पुरस्कार बाबू लाल चंद्र यादव प्रधानाचार्य शिक्षा के शिवालय के सजग प्रहरी जिला सचिव समाजवादी पार्टी प्रयागराज उप विजेता जिला पंचायत वार्ड नंबर 4
आपकी ओर से प्रदान किया गया है, नमन प्रणाम करता हूँ। सादर 201 रुपए का पुरस्कार हमारी आपके लिए रोजमर्रा जिंदगी में आने वाले सभी झंझातों की पैरवी करने वाले रमेश कुमार यादव एडवोकेट अधिवक्ता हैं बाबूजी सत्य में उजैते न्यू कैदी लाखप के सामने जनपद न्यायालय परिसर जिला सत्र व्यवहार न्यायालय इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत आप अधिवक्ता भैया को नमन है, इसलिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं भी लॉ ग्रेजुएट हो गया था, नौकरी सरकारी मिली इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा। अब जब रिटायर हो जाऊंगा तब मैं लॉ की एडमिशन करा लूंगा, तब भाई से भी परामर्श लूंगा कि 2-3 साल जो सीखे में लगबे करे ईमानदारी से, अब वही सरकारी काम हमें निपट जाए। बहुत बहुत रमेश भैया की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री विनोद यादव ग्राम प्रधान इनायत पट्टी सागर 111 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आराधना की आखिरी कड़ी में, आजकल बिरहा में बिरहिया बतवा था वंदना, वंदना वंदना नहीं अध्ययन करो, हम दोनों कलाकार के मुझसे वंदना ना निकली वंदना, ओके बताओ था कि बंद न होने वाला वंदना उनके यार भाई साहब, वंदना शब्द है वंदना शब्द नहीं है, उसको बंद से मत जोड़ के जबरी कर बैठी बैठाओ, वंदना है आराधना याचना उपासना अभ्यर्थना वंदना विनती आग्रह निवेदन जहां जस तहां तो। इन शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। कपड़ा थोड़ा सस्ता रहेगा चलेगा बाबूजी, भोजन भी 2 दर्जे का रहेगा चलेगा, आने वाला वक्त आने वाला कल यहाँ विद्वान भी बैठे हैं रसिक भी बैठे हैं, बगैर शिक्षा के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अपने भावी पीढ़ी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम दिलाएंगे, मंजिल आपके मुट्ठी में होगा, कोई माई का लाल आपको विकास से वंचित नहीं कर सकता, यही सोशल मैसेज थार सोसाइटी है बाबूजी। एजुकेशन इज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर, बट विजडम बेटर देन नॉलेज, ज्ञान की वह शक्ति बाबूजी जो दुनिया में रोशन कर दे। अगर रुपया पैसा से कुल हो तो टाटा बिड़ला सिंघानिया जेके मबत्ताल उस्मानिया धीरू भाई अंबानी कुल भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जातन। अखबार बेच कर पढ़ने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत बहुत प्रणाम, माला दीजिए उधर से। अरे एक मिनट एक मिनट, जोरदार तालियों से स्वागत करिए संचालक महोदय सरफीलाल यादव जी। देखिए यही शब्द है बाबूजी, शब्द ही तो है, और इन शब्दों से आप अश्लीलता का मुकाबला कर सकते हैं। जो आजकल खच खच नाच शुरू कर लोगे वो नाच का मुकाबला कर सकते हैं। बाबू श्री उमापति यादव जी कैथवल जगतपुर की धरती से हमारे पिता हैं, हमारे सरफीलाल भैया के पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं। बाबूजी की ओर से 201 रुपया जोरदार तालियों से सम्मान करें पिताजी का, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं नमन करता हूं। श्याम यादव कैथवल की बांटी से भावी BDC प्रत्याशी हैं भैया, भावी विधायक जी चल गए इनका हो कि हैं रुका है न भी, अच्छा होबे करिहन। देखा पहले गांव में पहली खेती आगे आगे और पीछे वाली खेती जोगे भागे, मतलब भाग से टिकल है। बहुत बहुत प्रणाम, कहना है हमारी मैया हो पीड़ा वाली, हमारी मैया हो पीड़ा वाली, श्रुतल ताल छंद बदलादा श्रुति माई मूर्छना सिखला, श्रुतल ताल छंद बदलादा श्रुति माई मूर्छना सिखला, यमाता राग भान
कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक्स खादी भंडार जगतपुर प्रोप्राइटर बाबू ब्रजेश कुशवाहा कैथवल की ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री श्याम सुंदर यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपज हैं और हिंदी के जगत के विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं। सुंदर पुष्पहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए। जोरदार तालियों से आप सम्मान करेंगे। बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। हमारे गुरु भाई हैं उस यूनिवर्सिटी से जितने लोग निकलते हैं, अच्छा चाहे दुबई चल जाए, चाहे सुरीनाम, चाहे भूटान और चाहे बाबूजी अमेरिका, चाहे इंडिया के कोनों कोने में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक आदमी जरूर आपसे मिलते हैं। बड़े अगाध प्रेम हो जाती है। आधा काम समझ ले इलाहाबाद के नाम पर बन जाता है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय बड़े भैया को। बाबूजी, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मनुष्य का ज्ञान है। काशी नरेश की पूजा बंद, अवध नरेश की पूजा बंद, उज्जैन नरेश की पूजा बंद, कालपी नरेश की पूजा बंद, प्रयाग नरेश की पूजा बंद, ओरछा नरेश की पूजा बंद, मगध अवध सबकी पूजा बंद। 1.5 रुपए का लेकर चमोटा जूता सेने वाले संत रविदास की पूजा दुनिया के 152 देशों में हो रही है। संत कबीर की पूजा दुनिया के 135 देशों में हो रही है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज बुद्ध के दर्शन पर पूरा वर्ल्ड चल रहा है। रुपया पैसा हाथ के मैल हो गए, राजा साहब के राजशाही खत्म हो गई। खाली बनारस में रामलीला के समय लगा था हर हर महादेव, ओकरे बाद कौनो राजन का महादेव पूजा बंद हो गई। मेरे ठेठ में कहने का मतलब है, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज आपकी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव से लोग बौखलाए हुए हैं। आपकी जो बढ़ती हुई मेरिट है उससे लोग डिस्टर्ब हैं। आपके बच्चों का हक मारा जा रहा है, इसे आपको बचाना होगा। विरहा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। जब देश गुलाम था, सर अब्राहम ग्रेसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिख रहे थे, मेरी विरहा दर्शन और मेरी कजरी मीमांसा, कजरी मीमांसा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से अवार्डेड पुस्तक है। उस विद्वान ने लिखा, मेरे भैया मेरे बाबू विरहा बहुत सुनते हैं, लिखा विरहा इज ए वाइल्ड फ्लावर, मेनी ऑकेजन आर फंक्शन एडॉप्टेड बाई नॉर्थ इंडियन पीपुल विथ स्मार्ट फॉर सोशल मैसेज इन सोसाइटी। विरहा समाज में सामाजिक संदेश प्रवाहित करने का एक छोटा सा उपकरण है, जो छोटे से समूह के साथ सामाजिक संदेश प्रवाहित करता है। अमर बहादुर यादव बाबूजी लालपुर अड्डा ईट उद्योग एसएस मार्का की ओर से सादर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। श्री कौशल किशोर यादव विश्वविद्यालय इलाहाबाद, आपकी ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत बहुत नमन करता हूं। कहना है, माँ आपके चरणों को प्रणाम करने लायक मैं था नहीं, आपके चरणों को प्रणाम करने लायक बनाया किसने?
मनो चंचल की हो लादरिया, मनो चंचल की हो सायरिया, माई नदिया उनका चालू कदम भैया का कोई सूचना है भाई, इसलिए मैं रोक दिया इनको। हेलो, ध्यान दे, मैंने कई बार निवेदन किया था पहले भी और अंतिम वार्निंग दी जाती है, जिन महान भाव की मोटरसाइकिलें रोड पर केवल गाड़ी लगा करके आ जाइए फट से, और बड़ी सुंदर रचना सुने हैं आप लोग, वंदना होगी झटके में बढ़ा। उधर सामने भी पार्किंग के लिए जगह खाली है, जहां पीछे भी जगह खाली है, बहुत ज्यादा जगह है। मोनू भैया बीडीसी दूध डेयरी वाले भावी प्रत्याशी हैं ग्राम कैथोल ग्राम सभा से। अच्छा, बीडीसीओ प्रधानी के समय नहीं आई गल, तो भैया जे जो उम्मीदवार हो वो अपन अपन प्रचार कह ले, हम के कोनो मतलब ना हो, हम के जे इनाम दे बोल देवल जी बढ़ा के चला। आराधना वंदना हो गई बाबू जी, मौके की बात है लाल। अरे मनई सुना आवत हैं तो जानत हैं कि कुछ तनी बढ़िया खाना के संगे लहसुन प्याज चटनी अचार चोखा भी रहत है, एकदम खाली ऊपर ऊपर से बाउंसरे न चल जाए, खाली कहीं पोसाए लाग भी बजा के अभा। हाँ, झटका नहीं स्थाई भाव रती हो जी, वो कर रस हो जी श्रृंगार रस। अरे वाह वाह, स्वर्गीय पंडित परशुराम जी मेरे विरह के आदर्श गाया करते थे, लिखौले रले हम अपने बदे, गौले रले महुआ चैनल विरह दंगल भाग टू में एक एक सब विचार करेंगे। विरह कभी अश्लील नहीं था, कुछ लोगों ने इसे अश्लीलता की ओर ढाल दिया। कहाँ गाव चंचल चिरई कठफोरनी के जैसन चोंच गड़ावेलू, मुरे दिल में हो मुरे दिल में खोता लगावेलू, या बिन बिन के सी बनावेलू। का लिखल गोरी की कलम में बिरहा, बिरहा की मर्यादा में कभी सब साफ सुथरे लोग थे, गोर बदन चंदन जस गम के, गोर बदन चंदन जस गम के नीला नैन समुंदर बा, चंदन जस गम के नीला नैन समुंदर बा, दांत जनाला दांत जनाला मोती कमाला डबल गुलाब के सुंदर बा, ओ किसी दोनों प्यार का बोली
₹50 का पुरस्कार श्री बाबा डेयरी जगतपुर आपकी ओर से बाबूजी पुरस्कार आया है। गोर बदन चंदन जस गम के नीला नैन समुंदर बा, दांत जनाला मोती के माला डबल गुलाब के अंदर बा। ये ओठ जो दोनों है दोनों को गुलाब की उपमा दी गई, इसी के बीच में वो मोती का माला है। प्यार का बोली बोली में भरी के सा प्रसंग है। युधिष्ठिर के सामने उठाए गए उस प्रश्नों को स्वयं हल करके बता दिया गया। परम पिता परमेश्वर नटनागर गोपाल चतुर्भुज को मान लीजिए, यदोर्वन से नर सुत्वा सर्व पापे प्रमुचते यत्रावत्री कृष्णाख्या परम ब्रह्माकृति। संस्कृत का हिंदी में अर्थ है यदुवंश का नाम श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का हरण हो जाता है। यदुवंश यदुवंश कवन यदुवंश भैया? ययाति के कुनबे से चला नहु सयाति पृथकेतु पृथ्वनिषी, यही प्रयागपुरी राजधानी थी झूसी जो आज है। मेरे समाज के लोगों, मैं जब बात रखता हूँ सर्व समाज में तो लोग कहते हैं कि कौन सा यदुवंश? अरे यही आज का यही यदुवंश जोन दारू पी के लोटल हन नाहे भाई। ये तो उनकर गलती है कि अमृत पीने वाले, अमृत उत्पन्न करने वाले। माँ का दूध अमृत है और माँ का दूध जब नहीं बनता है तो उस गाय माँ का दूध अमृत है। आजकल बाबू गाय का नाम, आजकल यहाँ कुछ दिक्कत न हो इसे सीसी में नेपुल पिया दिया जाता हो, हड़हड़ा के ढीलापन न हो, अमृत खत्म। यह अमृत उत्पन्न करने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है। उधर से अमृत जब बेच के चलत है तो अपने बल्टा में बाबूजी दस से दूध दस से दारू, दारू पीना बंद कर दीजिए। अगर दारू पी करके इनाम देना होगा तो डॉक्टर मन्नू यादव को इनाम मत दीजिएगा, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है। अगर पीना होगा तो अंग्रेजी पी सकते हैं। बड़ा बकलोल टाइप का आदमी हो यार, तो अंग्रेजी पियोगे तो दारू नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा आराम मिला। अंग्रेजों ने उसे रेगुलर यूज फॉर मेडिसिन बनाया। रोमन लेटर में बोतल पर लिखा गुणित के निशान वाला, एक गुणित दो गुणित तीन गुणित, तो मतलब 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 30 ग्राम। वो सब रेगुलर यूज करते हैं दवा के रूप में। इंडिया में भ
जगतपुर में हम आईली तब 5-7 जने सुतल देखे न कोई के 30 ग्राम में भेटाए बाबूजी हमारे परसोधा पर भी ऐसे सुतल दिखाना दीपक भैया 30 ग्राम ना 3 बोतल में ना भेटा था पी के अलग घरे के संपत्ति चौपट हो जाते बिरहा की ओर चले भगवान नट नागर कन्हैया विशाल रूप धर कर गए थे कहाँ गए थे अपने समदर्शी रूप को दर्शाने के लिए तो उधर से छोटी रचना थी इधर से भी छोटी रचना है इनाम उनाम देव में आदमी के नाम बोले में समय ज्यादा लग जाता लेकिन बहुत करीब से हमें के बताओ थी 4 लाइन भूमिका में कवि जी प्रमाण लिखे हैं दर्द जननी का जीवन में जाना नहीं जन्म किसने दिया किसने ममता दिया मात्र शक्ति की कैसी विवशता रही और जन्मते ही मुझे क्यों न क्षमता दिया ऐसी मजबूरी उनकी रही होगी क्या जन्मते जल प्रवाहित की हो मेरी माता उच्च था वंश उनका सुनो माधव जी नींदा को चारी तब पाई राधे राधा मैं पांडवों को मना लूंगा मैं देख रहा हूं मेरी दृष्टि सब पर है मुझे क्या करना है मैं यह जानता हूं और मुझे कैसे करना है मैं भी यह जानता हूं लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना नहीं विशाल रूप पकड़ लिए जब कहा था दुर्योधन की गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट ग्वाले को सम्मान के योग्य नहीं है कन्हैया कहे मुझे गिरफ्तार करोगे जिसका छत्र सजाने के लिए भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य आगे बढ़े थे आओ गिरफ्तार कर लो विराट रूप देख के लपटे निकली दुर्योधन झुलस जैसा जा रहा वीर कर्ण कलेजे पर हाथ रख लिया शंभुनाथ यादव बन पोखरा हमारे ब्रजेश भाई के बहन के ससुर हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बिरहा के फुलवारी के सुमन है रामाधार बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम करता हूं भगवान कन्हैया निकल लिए दांत पीस रहे हैं सभी लोग तर्ज के छोड़ दा गजल में बड़ी अच्छी भाव लिखल गिल हो निकलना कण भी निकल गल मुड़ के देखला किधर जा रहे हो कण किधर जा रहे हो अरे नजर किधर है
टेंशन ग्वाला श्रद्धे हमारे अनुज ब्रजेश यादव फौजी जी के बड़े भैया राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी रहे बाबू सुंदरपुर सहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार जोरदार तालियों से स्वागत करिए कंचन भैया का। योगा यादव बाबू जी रामपुर के निवासी हैं, बहुत बहुत प्रणाम सुंदरपुर सहार प्रदान के। इधर 101 रुपए का पुरस्कार चंद्रबली यादव चौकीदार रेलवे मनकापुर की ओर से मनकपुर की सर्जमी से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भाव समझ लेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे देख करके अरे इधर मुड़ गए क्यों, मुझे देख करके इधर मुड़ गए कि हमें देखकर अचानक मुड़ गए। अरे खा सरकार नट नागर गोपाल आपको देख करके ही मुड़ा हूं और एक काम करने आया हूं। क्या? मुझे माफ कर दे कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे हंसते हैं मोहन मंच शांत रहे बाबू, तुम बिना गलती के माफी मांग रहे हो। कौन सी गलती? कहा नहीं नहीं, नटनागर गोपाल चतुर्भुज यरकुल श्रोमणी मेरे मित्र दुर्योधन ने गुस्ताखी की, गलती की, उसकी माफी मैं मांग रहा हूं। के मूर्ख हो, गलती दुर्योधन किया है और माफी तुम मांगने आए हो अपने मित्र की। भगवान कन्हैया के मौका मिल गए, समदर्शी दृष्टि हो। कह सुनो, मेरे मान और अपमान का यहाँ कोई विषय ही नहीं है, मैं मान और अपमान से ऊपर का हूँ। देखे हो ना, का इसीलिए तो माफी मांगने आया हूँ। क्या अगर माफी मांगना है तो सत्य की कृतवर्मा तुम्हारे रथ पे चले जा रहे हैं, वाह वाह, तुम हमारे रथ का रथवान बनकर के आगे चलो। चलो एकांत में भैया, कंचन बाबू कहानी बिसर जाए, बात बिसर जाए, और जब हमार मंचे बतियाए तो पब्लिक शांत रह के क्या करे। क्षमा करी है बड़ा ये मामले के। कंस इसी कुल में था और कृष्ण भी इसी कुल में थे, कार्य अलग अलग था। ब्रजेश जी कुछ विरह भी सुनने का प्रयास करें वरना रात भर आप छटपटाएंगे, विराह का दिमाग से बात उतर जाएगी। विद्वानों को बुलाए हैं तो कुछ समझ के जाइए। कौन कहा कि नाथ मैं दोस्त की गलती मांगने आया हूं। क्या तुम गलत जगह फंसे हो, तुम धर्म धीरु हो। कह मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। कह अरे जिस माँ ने तुझे पैदा किया उस माँ को तुम भूल गए जिससे 9 महीना रक्त से सींचा जाता है, उस माँ की पीड़ा तुझे नहीं समझ में आई। कर्ण उलझ गया, कहा निकलो, भगवान कन्हैया के निकलो अधर्म की जगह से। तुम धर्म धीर हो, सत्य न्याय प्रिय हो, तभी अपने दुष्ट मित्र दुर्योधन की मूर्खता पर मुझसे क्षमा मांगने आए हो, ते मेरी बात को स्वीकार करो। भगवान कन्हैया जब आगे बढ़ रहे हैं बाबू जी तो कर्ण बतावे लगल भाव तर्ज बदल गए लाल, पतर राम जी के पातर बात अब न बताई, अब विरह को चलो नहीं समय लग जाएगी। भने कन्हैया कह रहे हैं,
क्यों फंसे हो यहाँ? कर्ण कह रहा है कि दुनिया में दुर्योधन बसी, हर जीवन का सहारा सामाजिक संघर्षों के साथी भोवर सिंह यादव, उनके भांजे सूर्यभान यादव की ओर से सुंदर पुष्पहार, 500 रुपए का पुरस्कार। लखनऊ थे, लखनऊ से फोन किए और यहाँ पुरस्कार हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बाबू भोवरचंद भान जी का, बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहानी भी संक्षेप में समझते चले आप लोग। एक मेरा मित्र दुर्योधन, जिसने सारे तानों को छोड़कर मुझे अंगराज का गद्दी दिया। एक मेरी माँ, जिसने मुझे पेट से तो नहीं पैदा किया लेकिन पोष कर अपने स्तन में असामयिक दुग्ध को ला करके मेरे जीवन को बचाने वाली माँ, इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। जन्म देवे वाली माई गंगा में बहा, रथवा रूप के पैरवा पकड़ ले बाबू। श्री हरिश्चंद्र यादव जी आर्मी के जवाब प्रहरी मई देवकली की धरती से सपा सैनिक प्रकोष्ठ के नेता हैं। 100 रुपए का पुरस्कार। बाबू अजय प्रधान कैथवल, उनके पिता श्री विजय बहादुर बाबू जी की ओर से सादर 151 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम। बाबू लल्लन जी आर्मी शिवैया की सरजमी से प्रदान किए हैं 100 रुपया। आर्मी के जवान है और मैं भी आधा आर्मी का आदमी हूँ। पिस्टल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, पांचों ग्रुप में मैं LMG खोलता जोड़ता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंडर ऑफिसर था। लेफ्टिनेंट कर्नल की नेताजी ने NCC के छात्रों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू किया था, 6 दिन में ओवर एज हो गया था, नहीं तो लेफ्टिनेंट बन जाता उधर आगे जा करके। लेकिन भाग में आप लोग के दर्शन करने का था। एक ही होल से मेरी LMG की सारी गोलियां निकली थी और कर्नल ऐसे अहमद मेरा कॉलर पकड़ के पीछे से खींचे तो हमसे कोई गलती हो गई क्या, कहे अपना कागज लेकर के NCC ऑफिस में आ जाना। जब NCC ऑफिस में गया तो 1/76 जन्म तिथि जोड़ के दांत पे दांत रहे थे, बेटा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता इसलिए कि 6 दिन ओवर एज हो गए हो। तो ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड सारी चीजें याद हैं। नमुआ बता दा, बात लंबा हो तो भारत यादव बाबू बल सिंह के पूरा से 51 रुपया पुरस्कार। कहानी आगे बढ़ गई,
कि तुम कहां फंसे हो। अरे वह माँ तो तुझे पोसी, लेकिन जिस माँ ने अपने लहू से तुझे सींचा उसको तुम भूल गए। कहे कि कौन है मेरी माँ। तीन सवाल करता है वीर को, क्या मेरी माँ जिंदा है, क्या मेरी माँ को आप जानते हैं, क्या मेरी माँ से आप मेरी मुलाकात करवा देंगे। कन्हैया चुप हैं, धीरे से कहते हैं हाँ। अब लालच हो गया, बाबू अर्जुन यादव कैथोल अलार, ₹1,00,000 का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, कागज पर लिख के दे दे बाबू जी। ब्रजेशों के समय बच जाए, आपों के समय बच जाए, हमरो समय बच जाए, आपों के समय बच जाए। पढ़ल लिखल दोनों भी रहिया हुआ, पढ़ लिख के अपन बता दिए। हाँ, हाँ, कहानी आगे बढ़ल, लालच में पड़ गया पीर कर्ण। यही सवाल किया है कि क्या आप मेरी माता को जानते हैं, क्या मेरी माता जिंदा हैं, क्या मेरी माता से आप मुलाकात करवा देंगे। भगवान कन्हैया के हैं, क्या सत्य की बाण को सहन कर सकते हो। भाव शैली में लगल हर गहराई में समुंदर सो गया, गहराई में समुंदर सो गया, अरे सत्य का लगा पाण सीने में सिहर में आई, गहराई में समुंदर सत्य का लगा बाण तब सीने में सिहरन आई, गहराई में समुंदर सो गया, का मुझे सूत पूत कह करके निकाला गया स्वयंवर से। मेरे साथ कितना अन्याय हुआ जब वो मैं सह लिया, तो अपने मात्र शक्ति के लिए जानने के लिए सत्य का बाण सर्वत्र सहन करने के लिए मजबूर हूँ। आप बताने की कोशिश तो करें बाबूजी। भाव चौक में लगा आवाज दे रहे नटनागर गोपाल, आप श्रेष्ठ हैं, पांच पुत्र हैं जिनके छह हैं कुल संतान। रोहित यादव टनकपुर की ऐतिहासिक सरजमी से पुरस्कार आया है, प्रणाम। श्री समई पहलवान जी उतराव, भतीजा ब्रिजभान यादव सादर, ₹200 का पुरस्कार, पहलवान जी के भतीजे साहब ब्रिजभान यादव जी को नमन करता हूं। बताने लगे कन्हैया, कौन सुन रहा है वीर, ज्ञान धर्म और दया दान में हर धर्म शास्त्र में ऊंचाना, जो बलवान बलि है ना हर युद्ध में पराजित नहीं हुए, धर्म में, बल में, धनुर्विद्या में, सौंदर्य में, रण कौशल में,
गदा युद्ध में पांचों अपने आप को निपुण हैं। कर्ण के वो पांचों लक्षण तो कैसा, अरे पांचों लक्षण तो पांचों पांडवों के हैं जिनके सीने में मेरे नफरत भरा हुआ है, जिनके मारने का मैं व्रत लिया हूं। क्या उनकी मां ही मेरी मां है? हाँ वही तुम्हारी मां है। हे दानवीर महावीर मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आपकी वही माँ है, मुझसे जो त्रुटि हुई होगी उसे क्षमा करना। कहे नाथ तब आप नहीं बताए जब मेरे सगे भाइयों ने मुझे सूत पूत का करके कई बार लताड़ा दुत्कारा फटकारा, आज आप मुझे क्यों बताने आ गए हैं? आप आज मुझे क्यों बता रहे हैं केशव? आज आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर मेरी माँ कुंती हैं, तो मेरा पिता कौन है केशव? पिता कौन है? विरह सुनने वाले बाबू, यह बात सुनकर भगवान नटनागर गोपाल करें तुम्हारे पिता वही तुम्हारे सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव हाँ, तो मेरी गलती क्या है जब मैं पांचों पांडवों का भाई हूँ? तो हे विधाता तूने दुर्योधन का ऋणी क्यों बना दिया? मैं आज आपकी विधि के लेख पर सवाल कर रहा हूँ। शांति से बैठिए। आज मैं आपके विधि के लेख पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। और हे केशव आप मुझे लड़ने से पहले ही निहत्था करके हथियार विहीन कर दिया। भाव पोपट में लगा, विरह का आखिरी चरण है बाबू। आदरणीय बड़े भ्राता श्री ओम प्रकाश दीपक जी का जोरदार तालियों से सम्मान करें। जनाब हैदर अली जुगनू जी के शिष्य हैं और हमारे बड़े भ्राता सादर 200 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किए हैं। बहुत बहुत नमन करता हूं। कैथोल के ऐतिहासिक धरती से श्री राम निरंजन यादव जी सादर 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। उर्फ लल्लू भैया बिरहा आखिरी चरण में है बाबू। राम आधार यादव जी आदरणीय डीआईजी साहब मई देवकली से सादर 100 रुपया बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करता हूँ। का घिड़ा छीन के दहलाया हराई भाई मधुसूदन, अर्जुन परब कैसे बाण। क्या आप मेरी माँ से मुलाकात करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप इस घटना के बाद अपने माँ से भी मिलेंगे। आज आपने घिड़ा छीन करके निहत्था कर दिया। भाई यस दुश्मन न भाई यस दोस्त, भाई यस मुद्दई न भाई यस ही। विरह के आखिरी चरण में लिखल गेल कर्ण कह रहा है, हे मधुसूदन मैं जब तक वीर गति न पा जाऊं तब तक के बाद आप छुपा के रखिएगा, यही मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सत्य की ओर बाबूजी कृत वर्मा रथ पर दूर बैठे हैं, भगवान कन्हैया को प्रणाम करके कह रहा है नाहर कर्ण विरह का आखिरी प्रमाण हो लाल। Yeah.
भाई हमारे बड़े सुंदर गायक निराला जी उस संत महात्मा युधिष्ठिर से क्या सवाल किए थे? क्या? तीन सवाल। भगवान कहाँ रहता है? भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो लोग चुप रहा। हाँ, हम दुनिया पर क्या ले जाए। अब भगवान क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सब कुछ कृष्ण भगवान देख रहे थे। कहाँ अधर्म में फंसे हो? क्या करते हैं? सच्चा न्याय रग रग में। जैसे कर्ण क्या बोला? कर्ण बोलता है यही न्याय है। करना है कि आप वादा करिए कि मेरे भाइयों को या सत्य नहीं बताएंगे जब तक मैं वीर गति को नहीं प्राप्त करता है केशव। और मैं जान रहा हूं जिधर आप हैं उधर ही विजय होगी। लेकिन अगर आप बता देंगे तब यह बात उलट जाएगी। आप तो समदर्शी हैं, सब जानते हैं, सबके घट घट में रहते हैं, सब कुछ आप ही करते हैं। आप ही वृक्षों में पीपल हैं, वासुदेव हैं, आप ही चतुर्भुज रूप हैं। आप हमारी बात पर विश्वास करिए। क्या सवाल करता है ना हरकर्ण? योगिष्ठिर अनुज हमारा रख देगा सर पे ताज। अरे मित्र मोह में अगर दे दिया दुर्योधन को राज, अरे लाज से कांपी तब धरती हो छिपैया बन। यही सच्चाई है, यही दृष्टि है। राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर को अगर यह पता लग गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं तो वह अपना ताज मुझे दे देगा और अंगराज का कर्ज चुकाने की मोह में मैं अगर यह ताज उठाकर दुर्योधन को दे दिया तब लाज से कांपी धरतिया हो छिपैया बतिया। समदर्शी नटनागर गोपाल चतुर्भुज वादा करते हैं। तो भगवान उम्र में बाबूजी समदर्शी हैं, उनकी उम्र का कोई योग नहीं है। फिर झुक करके कर्ण प्रणाम करके कहता है नाहर आखिरी बार, हे केशव है प्रणाम मेरा, हे केशव है प्रणाम मेरा, चले समर की ओर। अरे मिलते हैं अब रणभूमि में केशव नंद किशोर, तोरना पांडव के मौतिया हो छिपैया बन। सादर 100 रुपए का पुरस्कार बाबू विक्रमा यादव बढ़िया के ऐतिहासिक सरजमी से प्रदान किए हैं। चरणों में नमन करता हूं। हे केशव ले प्रणाम मेरा, चले समर की ओर। मिलते हैं अब रणभूमि में केशव नंद किशोर। जोर ना, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो पांडवों को हरा सके। आप जिधर हैं विजय उधर ही होगी। जोर ना पांडव के मौतिया छिपैया बतिया। बाबूजी भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं और वही सब कुछ करते हैं। मनुष्य तो साधन मात्र है। गुरु बिहारी गुरु गणेश नंदर राम जियावन सरसिहारे गुरमधारी विमल ज्ञान दे। अरे गहराई में समंदर सो मनु कलम कर्ण की वीरता सदा गवाई। गहराई में समंदर सो अजय श्रीवास्तव जी का मैं भी रहा गया था। कमलेश पांडे हैं, अजय श्रीवास्तव सीओ साहब के ड्राइवर हैं। सादर 100 रुपया उत्तर प्रदेश पुलिस के जावाद प्रहरी हैं। बहुत बहुत जय हिंद प्रणाम करता हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको कोट कोट नमन मेरा वंदन है बाबू।